नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रुतिका सिंह। प्रयागराज से अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक मस्जिद में चार महिलाओं के छिपे होने की जानकारी सामने आई है। इन चार महिलाओं में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के भी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। मस्जिद में महिलाओं के छिपे होने की जानकारी के बाद पुलिस एक्शन में आ चुकी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और उधर अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक किया गया है। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद का शव दफना दिया गया, जहां असद के नाना ने उसे दफनाने की रवायत पूरी की, जबकि जनाजे में उसके फूफा समेत करीब 20 से 25 लोग शामिल हुए। हालांकि लाख मिन्नतों के बावजूद पिता अतीक को बेटे के जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। इधर गिरफ्तारी के डर से फरार चल रही असद की मां शाइस्ता भी बेटे के जनाजे से दूर रही, जबकि असद के भाई को जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। UP STF ने गुरुवार को असद को झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। इससे पहले अतीक के बेटे असद का शव झांसी से प्रयागराज लाया गया था, जहां पहले से ही उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए असद के पुश्तैनी घर में उसके करीबी रिश्तेदार जमा हुए थे, जहां उसके जनाजे की तैयारी की गई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने असद के शव को घर नहीं ले जाने दिया। असद का शव सीधा प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया। असद के परिजन भी पुलिस की गाड़ी से कब्रिस्तान पहुंचे। जनाजे में गैर जरूरी लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं थी। और उधर सुरक्षा कारणों से असद का शव उसके पुश्तैनी घर नहीं ले जाया गया है, और असद के पुश्तैनी घर से कब्रिस्तान तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, जहां जमीन से आसमान तक कड़े पहरे के बीच असद का जनाजा निकाला गया। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स और PAC की 8 कंपनियां चप्पे चप्पे पर तैनात दिखी। एहतियातन असद और गुलाम का शव अलग अलग कब्रिस्तान में ले जाया गया। असद के परिजनों को पुलिस टीम अपनी गाड़ी में कब्रिस्तान तक ले गई। जनाजे में शामिल होने वाले का नाम, पता और मोबाइल नंबर सब कुछ पुलिस ने नोट किया। और इधर असद के सुपुर्दे खाक किए जाने के दौरान अतीक अहमद काफी बेचैन रहा। धूमनगंज थाने के लॉकअप में बंद अतीक अहमद पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा, और बेटे के जनाजे को देखने की मन्नतें करता रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक फोन या TV के जरिए लॉकअप से ही बेटे का जनाजा देखना चाहता था, लेकिन पुलिस की तरफ से अतीक को इस तरह की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। और उधर प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में बेटे असद का शव दफन हुआ, और इधर जेल के लॉकअप में बंद पिता अतीक अपना आपा खो बैठा। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल ना हो पाने की वजह से बेहद दुखी है। बेटे के सुपुर्दे खाक होने की खबर सुनते ही जमीन पर लेट गया और पुलिस को बद्दुआ देने लगा कि बेटे के जनाजे में शामिल होना मेरा हक था। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, किसी को माफ नहीं करेगा। मेरे पूरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो। सूत्रों के मुताबिक बेटे के जनाजे में शामिल ना हो पाने से अतीक अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और पागलों की तरह हरकतें करने लगा। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, UP STF ने अतीक अहमद और अशरफ के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा है। STF की टीमों ने 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके साथ ही बताया ये जा रहा है कि अतीक और अशरफ की निशानदेही पर UP STF ने छापेमारी की है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पुलिस अब तक 23 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इसके साथ ही खबरों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अतीक पुलिस के सामने अपने परिवार पर रहम की भीख मांगता रहा और अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने की मिन्नतें करता रहा। इस दौरान उसकी तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उसे रात करीब 10 बजे हथकड़ी में प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल आया गया, जहां उसका मेडिकल चेकअप किया गया। उसके बाद फिर उसे पुलिस अपने साथ लेकर लौटी, जिसके बाद दोनों भाइयों को रात में सिर्फ 3 घंटे ही सोने दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने धूमनगंज थाने के मेस की दाल रोटी खाकर रोजा तोड़ा, तो वहीं अशरफ ने चाय पीकर अपना रोजा तोड़ा। अतीक अहमद और अशरफ की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जांच एजेंसियां अब अतीक पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। अतीक और अशरफ पर UAPA के तहत मामला दर्ज हो सकता है। दरअसल ATS ने कल अतीक और अशरफ से 4 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। इस दौरान ATS को कई अहम सुराग मिले, जिसमें ISI और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी कई सुराग मिले। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हथियार तस्कर से ATS ने जानकारी जुटाई, जिसके बाद अब ATS अतीक और अशरफ पर UAPA के तहत मामला दर्ज करा सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के घर से नकदी मिलने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और STF के अतीक के मुंशी और ड्राइवर समेत 5 करीबियों से पूछताछ के दौरान ये पर्दाफाश हुआ है, जिसमें लखनऊ के एक बिल्डर का नाम सामने आया, जिसने अतीक के बेटे को 80 लाख रुपए दिए थे। ये पैसा उमेश पाल हत्याकांड से 2 दिन पहले दिया गया।
जो हत्याकांड में शामिल शूटर्स में बटना था। दरअसल 21 मार्च को अतीक अहमद के दफ्तर पर छापा पड़ा था, जिसमें 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। साथ ही हथियारों के साथ अतीक अहमद के 5 साथी भी गिरफ्तार हुए थे। अब पुलिस और एसटीएफ आरोपी बिल्डर पर एक्शन की तैयारी कर रही है। अब उमेश पाल हत्याकांड में प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी ने अतीक अहमद के करीबियों और मददगारों को समन्स भेजा है। जिन लोगों को समन्स भेजा गया उनमें समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आसिफ जाफरी का भी नाम शामिल है। आसिफ कौशाम्बी की चौल सीट से साल 2012 में बीएसपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। आसिफ जाफरी को समन्स जारी किया गया है। आसिफ जाफरी के अलावा अतीक के 10 करीबियों और मददगारों को अलग अलग तारीखों पर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। वहीं अतीक अहमद के खजांची रहे सीताराम शुक्ल को भी ईडी ने समन्स जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी आरोपियों को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईडी के दफ्तर में अलग अलग बयान देने के लिए बुलाया गया है। सभी आरोपियों को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईडी के दफ्तर में अलग अलग बयान देने के लिए बुलाया, जिनमें अतीक का सीए शबी अहमद, वकील खान, सौलत हनीफ, फाइनेंसर खालिद जफर, बिल्डर संजीव अग्रवाल, कारोबारी दीपक भार्गव, बिल्डर काली, उसके भाई मोहसिन और वद्दू अहमद को समन्स जारी किया गया है। अतीक के करीबियों के बयान के आधार पर जांच एजेंसी माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करेगी। और उधर गैंगस्टर अतीक अहमद के एक और गुनाह का पर्दाफाश हुआ है। दावा यह है कि कसारी मसारी इलाके में मकान बनवाने के लिए अतीक लोगों से गुंडा टैक्स वसूलता था और ये रकम करीब 2 लाख रुपए तक होती थी। अतीक के गुर्गे हथियार के दम पर गुंडा टैक्स वसूला करते थे। दावा है कि अतीक जेल से ही अपने पूरे गैंग को ऑपरेट करता था। मकान बनने लगता था, आ जाते थे राइफल लेके, 2 लाख दो, 1 लाख दो। यही नहीं, अगर किसी ने अतीक के गुर्गों को गुंडा टैक्स देने से मना किया तो अतीक उसे डराने के लिए जानलेवा हमले करवाता था। और इस बीच पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी के कौशाम्बी से ये हथियार बरामद किए गए हैं। और दावा है कि पुलिस ने जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार कहां छिपाए गए इसके बारे में जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस दोनों को लेकर कौशाम्बी पहुंची और सैयद सरावा गांव से हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि दोनों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई और अहम जानकारियां भी हाथ लगी हैं। अतीक और अशरफ के साथ साथ परिवार पर भी पुलिस का शिकंजा कस रहा है। अब पुलिस के रडार पर अशरफ का साला आ गया है। बरेली पुलिस ने अशरफ के साले सद्दाम पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है और सद्दाम की तलाश के लिए टीम लगा दी है। सद्दाम अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है और जिस पर कई मामले दर्ज हैं, इसकी तलाश पुलिस लंबे वक्त से कर रही है। उसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। लंबे वक्त से अशरफ बरेली जेल में ही बंद है, तो वहीं अशरफ के नाम पर कई वारदातों को अंजाम देने का काम उसका साला कर रहा था। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगवॉर हो गई है, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में एक गैंग वॉर हुई, जिसमें गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि इस गैंग वॉर में 4 कैदी जख्मी हो गए। तिहाड़ जेल में शाम 5 बजे 2 गुटों के बीच मारपीट हुई और इस दौरान गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया समेत 4 कैदियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया और इसकी जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन घायल कैदियों को लेकर दीनदयाल अस्पताल पहुंचा, जहां प्रिंस तेवतिया की मौत हो गई। बताया गया कि गैंगस्टर प्रिंस पर 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। उधर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की रैली में हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गए और हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।